आज लेकर आई हूँ एक खूबसूरत सी मिठाई की रेसिपी। ले रही हूँ गाय का घी, ये और इलायची का दाना, कुछ नाच यानी बादाम जो आपके घर में अवेलेबल हुई, और मगज, 3 तेज़पत्ता। अभी कढ़ाई में घी गर्म होने दे रही हूँ। जब घी हल्का सा गर्म हो जाए ना, वो हम पूरा के पूरा बादाम को फ्राई करेंगे। आप कोई भी नाच ले सकते हो, मैंने यहाँ ऑलमंड भी लिया, काजू भी लिया और मूंगफली भी ली, कद्दूकस ले लिया और मगज को मिक्स करके ये फ्राई कर लूँ। जब सत्तर घंटे की आवाज़ आए ना, मगज का मतलब ही हो चुका है। अभी हम एक बर्तन में उसको निकल कर रख देंगे। ये मैंने निकल कर रख दिया नाच और मगज को। अभी उसी में जो घी बसा है ना, उसमें डाल रही हूँ 1 कप सूजी यानी रवा। सूजी को हम इसी घी में रोस्ट कराने, अभी उसी घी सूजी के साथ मिक्स कर रही हूँ 1/2 कप बेसन और 1/2 कप चावल का आटा यानी राइस फ्लोर। तीनों चीज़ों को हमको अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ेगा यानी रोस्ट करना पड़ेगा। घी हमको एक्स्ट्रा यहाँ बिल्कुल ही नहीं डालना। अच्छे से जब सुगंध आए ना, तो मतलब ये हो चुका है, लेकिन फ्लेम जो है वो मीडियम होना चाहिए। अभी जो फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट था वो पूरे के पूरे मैंने उसमें डाल लिया और अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लो। हो चुके हैं तो अभी थाली में डाल देते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए। उसी टाइम में मैंने 2 कप गाय का दूध जो पहले से उबाल कर रखा हुआ था, और मिक्स कर रही हूँ यहाँ 2 अमूल स्प्रे पाउडर का पैकेट, जो 10 रुपये वाला मिलते हैं ना वो, इलायची का दाना। ये दूध पहले से उबाल कर रखा हुआ था लेकिन रूम टेम्परेचर में ही थी। अभी उसमें थोड़ा सा घी डाल रही हूँ और इसको अच्छे से उबलना है। अभी यह डालना है 1 कप चीनी, क्योंकि 1 कप सूजी लिया था इसलिए मैंने 1 कप चीनी ले रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चीनी हम एक साथ नहीं डालेंगे, 2 बार डालेंगे, मतलब 1 कप को हम 2 बार करके डालेंगे। और तेज़पत्ता डाल रही हूँ। दूध आधा होने के बाद तेज़पत्ता हमको निकाल कर रख देना है। अभी जो रोस्टेड किया हुआ सूजी था ना, सूजी को हम थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालेंगे। सूजी भी हमको 2 बार ही डालना है, क्योंकि एक साथ डालने से ना सारा सूजी दूध को पी लेंगे और बहुत जल्दी सूख जाते हैं। इसलिए मैं 2 हिस्सों में डाल रही हूँ, मतलब 2 बार में डाल रही हूँ दूध के साथ। और देखिए कितनी जल्दी दूध ने सूजी ने दूध को पी लिया। अभी हमको अच्छी तरह से करसी से सारा चीज को मिक्स करना है। जब कढ़ाई छोड़ने लगे ना, तब मतलब ये हो चुका है। अभी देखिए कढ़ाई में साइड में लगा हुआ है और थोड़ा स्टिकी सा भी है। इसमें डाल रही में थोड़ा सा घी, क्योंकि मुझे ज़रा स्टिकी लग रही है इसलिए। और देखिए ये मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। कढ़ाई को धीरे धीरे छोड़ रहा है, मतलब ये हो चुका है। अभी उसको निकल कर एक प्लेट में रख देंगे। बहुत गर्म है, उसे मिक्स करना है इस दो को, लेकिन मैं अभी समझ के मदद ले रही हूँ क्योंकि बहुत ही गर्म है। गर्म होने से रहने से मिक्स करने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्मूथ बनते हैं। अभी आ गया रूम टेम्परेचर में, तो हाथ में ऐसे छोटा छोटा लोई लेंगे और पेड़ा बनाएंगे। पेड़े को हमको शेप देना है। देखिए ये गोल गोल लड्डू बन चुका है। लड्डू को भी हम ओवल शेप में लाएंगे, बिल्कुल ऐसे। और जो डिज़ाइन दे रही हूँ ना पट्टा वाला, वो हाथ से ही देंगे। देखिए ओवल शेप बन चुका है। अभी मिडिल फिंगर से उसको टैप कर रहे हैं और एक फॉर्क के मदद से हम इसमें थोड़ा डिज़ाइन डालेंगे। लेकिन डिज़ाइन अभी भी ख़त्म नहीं होगा, इसके बाद भी कुछ काम हम लोगों का रहता है। देखिए बिल्कुल ऐसे, ये दिखने में जितना खूबसूरत है ना, खाने में उतनी स्वादिष्ट है और हेल्दी भी है, क्योंकि वहाँ सारा की सारा नाच मगज भी डाला गया है, घी भी बहुत कम है। देखिए ऐसे ना, मैं एक एक करके बनाकर थाली में रख कर जाऊँगी। आप लोग भी ऐसे ही बन कीजिए जैसे मैंने किया है। मैं और एक बनाकर आप लोगों को दिखा रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए ओवल से अभी मिडिल फिंगर से हमको थोड़ा टैप करना है। ये बन चुकी है। अभी फॉक की मदद से हम डिज़ाइन देंगे। आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हो, मुझे ये बहुत पसंद लगता है क्योंकि देखने में इतना खूबसूरत है ना। और आज तक जिन्होंने खाया है मेरे मिठाई, वो तो तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ करते जा रहे हैं। तो क्यों ना आप भी एक बार ट्राई कीजिए इसको बनाकर। देखिए ऐसे मैं रख कर गई हूँ थाली में, ऐसे एक एक करके मैंने पूरा 2 कप बना लिया है। अभी है डिजाइन, जो ऊपर का हिस्सा है हमको ऐसे मोड़ देना है और थोड़ा साइड को टैप करना है। देखिए बन गया, कितना खूबसूरत चपट्टा है ना। इजी, खूबसूरत भी और सुंदर भी और टेस्टी भी। देखिए मैं दूसरा एक दिखा लेती हूँ, जो प्लेट में रखा था वही वाला। ये उसके ऊपर का हिस्सा खींचे को अपनी फिंगर से थोड़ा ऐसे दीजिए, थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए, बस बन गया सुंदर सा पत्ता। साइड को हम
थोड़ा टेप कर देंगे तो देखने में ज़्यादा सुंदर लगते हैं। देखिए ये बन गया प्यारा सा मिठाई। मैंने सारा डो से ऐसे मिठाई बना लिया है, लगता है आपको ये पसंद आएगा। देखिए कितना सारा हो चुका है एक कप रावा से, बहुत टेस्टी एंड हेल्दी है, ज़रूर बनाएगा। मुझे आप लोग हमेशा ऐसे प्यार देते रहिएगा और लाइक तो बनता है भाई, एक तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।